नमस्कार दोस्तों, मैं जंक्शन में स्वागत है आपका। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 वैदिक मैथ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों डिवाइड वाला क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर ध्वजांक सूत्र का उपयोग करते हुए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 3987 को डिवाइड करना है 28 से, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ऐसे तीन कॉलम बढ़ाने हैं, ठीक है ना। अब देखिए 28 से डिवाइड करना दोस्तों अपने को, आप उसको ऐसे लिख लीजिए 2 और 8 कहाँ पे, ऊपर, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपने कितना लिख रखा है, एक नंबर है ना, तो एक नंबर बाहर बाकी सब अंदर, ठीक है, बाकी सब अंदर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 28 2 यहाँ पे, 8 ऊपर, ठीक है। ऊपर तो कितना है, एक नंबर, तो एक नंबर बाहर निकल गया है, बाकी सभी अंदर आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर ये जो दोस्तों ये नीचे नंबर, इसको अपन बोलते हैं मुख्यांक। क्या बोलते हैं, मुख्यांक बोलते हैं, मुख्यांक, ठीक है, क्या बोलेंगे, मुख्यांक। और जो ऊपर है दोस्तों, ऊपर क्या होता है, झंडा होता है, इसको बोलेंगे ध्वजांक, ठीक है ना। मकान के ऊपर या मंदिर के ऊपर ही झंडा होता है सबसे, तो आप याद रख ले ऊपर वाला मतलब फ्लैग डिजिट, ध्वजांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फ्लैग डिजिट। क्या बोलेंगे, फ्लैग डिजिट, ठीक है। और मुख्यांक मतलब मेन डिजिट बोलेंगे इसको इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। तो ये 2 तो क्या है, मेन डिजिट है मुख्यांक के, और 8 क्या है, फ्लैग डिजिट, ध्वजांक है, ठीक है ना। अब ध्वजांक में जितने अंक होंगे, फ्लैग डिजिट में जितने डिजिट होगी, उतनी डिजिट तो बाहर आ जाएगी, बाकी सब अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों आगे की चीज़, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आगे की चीज़ देखेंगे दोस्तों। सिंपल सी प्रोसेस दोस्तों इसके अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले स्टेप डिवाइड करना है, डिवाइड कौन करेगा दोस्तों, मुख्यांक, ठीक है ना, मुख्यांक डिवाइड करेगा। तो 2 से डिवाइड कीजिए 3 को, तो 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा आपके पास, भागफल। भागफल को दोस्तों, दोस्तों एक यहाँ चीज़ लिख देता हूँ मैं, आपने कोई चीज़ को ऐसे डिवाइड करके देखा होगा, जैसे 11 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 टाइम 10 नीचे 1। एक चीज़ का ध्यान देखिए दोस्तों, ये 5 क्या है आपका भागफल, 1 क्या है शेषफल, 2 क्या है भाजक, 11 क्या है भाज्य। इंग्लिश में नाम देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं कोशेंट, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको अपन, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। आर से रिप्रेजेंट करते हैं शेषफल को, रिमाइंडर, ठीक है। और ये होता है अपने पास डिविजर बोलता है इसको, डिविजर, डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको ना, डिविजर, ठीक है, भाजक बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो दोस्तों अपने को तो क्यू और आर से मतलब है, मतलब कोशेंट और रिमाइंडर से, भागफल और शेषफल से, ठीक है। तो मैं इसको इंग्लिश में ही लिखूंगा दोस्तों, ये भाजक है, भागफल है ना, हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, भागफल मतलब क्यू, तो आप समझ जाना क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल, ठीक है ना। चलो आगे करते हैं इसको, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा दोस्तों, आपको पता है कि भाग जाएगा एक बार, मतलब कोशेंट कितना आएगा अपने पास 1, और रिमाइंडर मतलब शेषफल भी कितना बचेगा 1, ठीक है ना। आप ऐसे भाग करके देख लेना दोस्तों, जो कोशेंट आएगा उसको तो आपको नीचे लिखना है 3 के नीचे, क्योंकि 3 तक डिवाइड हुआ है ना अभी तक, और ये जो बचा है ना शेषफल, इस 1 को खाली लिखना है 3 से बाद में, और 1 9 से पहले, और थोड़ा सा नीचे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नया भाज्य अपने पास क्या बना दोस्तों, ठीक है, न्यू डिविडेंड क्या बन गया अपने पास, नया भाज्य, नया नंबर क्या आ गया जिसको अपन नया भाज्य बोलते हैं, न्यू डिविडेंड, ठीक है ना, ये अपने पास बन गया 19। अब दोस्तों आपने डिवाइड में देखा होगा, मैंने आपको सिंपल करके बताया, पहले अपन ने क्या किया इसको डिवाइड, फिर क्या किया माइनस, तो एक बार डिवाइड एक बार माइनस, एक बार डिवाइड एक बार माइनस, ये प्रोसेस चलती है सिंपल डिवाइड में। तो ये भी तो डिवाइड ही है, बस थोड़ा मेथड अलग है वैदिक के हिसाब से, ध्वजांक मेथड से। तो डिवाइड हो गया, तो अब क्या करेंगे माइनस, तो नया नंबर क्या बना 19, इस 19 में से माइनस क्या होगा दोस्तों, फ्लैग डिजिट मल्टीप्लाई बाई जितना अपने आंसर आया ना ये, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो आपको 19 में से क्या मल्टीप्लाई करना है, 8 1 जा 8, तो 19 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा 11, ठीक है ना। ये अपने पास मॉडिफाइड डिविडेंड हो गया है, संशोधित भाज्य, ठीक है। फिर वही करना है आपको, 11 को नीचे लेके आ गए, अब क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइड करने का दोस्तों काम किसके पास है, मुख्यांक के पास, मेन डिजिट के पास, 2 से, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू तो कितना आ जाएगा 5, और रिमाइंडर कितना 1। डिवाइड करके देख लेना आप, 5 बार भाग जाएगा, एक से एसल बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक 5 बार भाग हो गया है, और ये रिमाइंडर यहाँ लिख दीजिए 1, 9 से बाद में और 8 से पहले। ठीक है, नीचे थोड़ा। अब देखिए दोस्तों अगली स्टेप कितना आ गया अपने पास, 18। तो अब 18 में से माइनस होगा, क्या होगा, फ्लैग डिजिट मल्टीप्लाई बाई 5, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है ना, इस आंसर, ये तो आंसर आया थोड़ा सा अभी पहले, पहले वाला आंसर इस स्टेप से पहले वाला ये आंसर है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 माइनस 40, तो आपके पास आ गया माइनस का 22। माइनस का नहीं आना चाहिए दोस्तों, जैसे माइनस का आए अपने पास इनको कैंसिल कर दो दोनों को। तो अपने पास जो स्टेप थर्ड और फोर है, इसको क्या करने पर, कैंसिल करने पर। ठीक है ना, हिंदी में आप लिख सकते हैं संक्रिया 3 और 4 को कैंसिल करने पर, निरस्त करने पर। ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ स्टेप को कैंसिल करने पर, बाय कैंसिलिंग स्टेप थर्ड फोर्थ। दोबारा से देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 11 को डिवाइड किया मैंने 2 से, लेकिन कोसेंट आ तो 5 रहा है, लेकिन 5 से माइनस में आ गया ना, इसलिए अपन कितना है, एक कम कर दो, मतलब आप इसको 4 टाइम डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्तों आपके पास, 3। ठीक है, तो यहाँ 5 की जगह कितना आ गया 4, और यहाँ आपके पास कितना आ गया 3। तो सीधी सी बात है, आपका जो नया नंबर है वो क्या बन गया, आप 38 माइनस क्या होगा, 8 फोर्जा। ठीक है, तो 38 में से 8 फोर्जा मतलब 32 माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6, 6 आ जाएगा। तो नया नंबर क्या बन जाएगा दोस्तों आपके पास, 6 को नीचे ले आओ, डिवाइड करो। ठीक है ना, डिवाइड माइनस, फिर 6 नीचे आके डिवाइड करो 2 से। आपको पता है दोस्तों साफ साफ ये 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, तो आप लिख दीजिए कि यहाँ ये 3 टाइम डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0, तो 8 के बाद में 7 से पहले, मतलब ये यहाँ चल गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, 07 लिखो या 7 लिखो, ये की बात है। माइनस क्या होगा आपका, 83 जा। ठीक है ना, अब दोस्तों आपको पता है कि 7 में से अगर 24 माइनस करेंगे, तो अपने पास कोई ना कोई जो भी आएगा आंसर माइनस का आने वाला है, माइनस का आपके पास आने वाला है 17। ठीक है, माइनस का आना नहीं चाहिए, जैसे आए तो डिवाइड वाली और माइनस वाली दोनों स्टेप ही आपके क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है ना, बाई कैंसिलिंग स्टेप 7th एंड 8th। ठीक है ना, संक्रिया 7 और 8 को निरस्त करने पर, आप लिख सकते हैं लाइन हिंदी के अंदर वर्ड्स में ना। अगली स्टेप दोस्तों आपको पता है कि ये किस 6 से डिवाइड हो रहा है 2 से 3 टाइम, लेकिन फिर भी आप कितने टाइम करेंगे, एक का मतलब 2 टाइम, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, 2। कितना बच जाएगा, 2, तो यहाँ काट के लिख लीजिए 2, तो यहाँ भी कितना आ गया 2। तो नया नंबर आपके पास क्या बन गया दोस्तों, नया नंबर आपके पास कितना बन गया, 27। माइनस क्या करेंगे, 8 2 जा, 8 2 जा मतलब 16, तो माइनस करने पर आपके पास कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11। ये 11 दोस्तों आप कहाँ यहाँ लिख दीजिए। ठीक है ना, अब दोस्तों एक चीज़ जान देखिएगा, ये जो आपके पास आया ना, ये तो आपका क्या है, भागफल, भागफल मतलब कोसेंट क्यू है ना, और ये आपका क्या है, शेषफल, क्या है, शेषफल मतलब रिमाइंडर। ठीक है, तो सीधी सी बात, आपका क्यू मतलब भागफल तो कितना आ गया, 142, और रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आ गया, 11। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। पिछले क्वेश्चन की जैसे दोस्तों, इसमें भी वही आपको 3 पार्ट करना है। ठीक है, 3 पार्ट करने के बाद में 78 लिखिए इसको, 7 नीचे 8 ऊपर। ठीक है, ऊपर कितना है, 8, तो एक नंबर अपने बाहर आ जाएगा, बाकी तीनों अंदर आ गए। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, ये आपको मैंने पहले लिख दिया था, इसको क्या बोलते हैं अपन, मुख्यांक बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मुख्यांक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ध्वजांक। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ध्वजांक, फ्लैग डिजिट और मैन डिजिट। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फ्लैग डिजिट मैन डिजिट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 तो होगा नहीं, तो 57 ले लो, तो फर्स्ट स्टेप क्या है अपनी, 57 डिवाइड बाई 7, तो कोसेंट कितना आएगा, भागफल कितना आएगा दोस्तों अपने पास, 8 टाइम 7 8 56, और रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो आप यहाँ तक हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ तक कितना आ गया आपके पास, 8, और ये रिमाइंडर इसके बाद में, इससे पहले थोड़ा नीचे। ठीक है, तो नया नंबर क्या पड़ा आपके पास, 18 माइनस 8 8 जा। ठीक है, 18 माइनस 8 8 जा, आपको पता है कितना होता है,
64, तो 18 माइनस 64 करेंगे ना आप, देखो कितना आएगा आपके, 14 माइनस 8 करोगे तो ये जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4, माइनस का 46, माइनस में आना नहीं चाहिए, आपको भी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो इस दोनों को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है ना। अब आपको पता है कि 8 टाइम डिवाइड हो रहा है, फिर भी कितने टाइम करोगे आप, 7 कितने टाइम करेंगे, आपको पता है कि 8 टाइम हो रहा है फिर भी कितने टाइम, एक कम कर दो 7 टाइम, तो रिमाइंडर आपके पास कितना हो गया दोस्तों, 9 8, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ काट के आप क्या लिख दोगे, 7, और यहाँ काट के क्या लिख दोगे, 8, ठीक है। तो नया नंबर क्या बना, 88, 88 में से माइनस क्या होगा, 8 7 जा, ठीक है ना, फ्लैग डिजिट मल्टीप्लाई बाई ये कोसेंट, ठीक है, 2 जहाँ गुणा भागफल, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7, मतलब 88 में से आपके माइनस क्या हो रहा है, 8 7 जा 56, तो आपके कितना बचेगा, 2 3 32, ठीक है। इस 32 को नीचे लेके आ जाइए, अब फिर डिवाइड होगा, डिवाइड माइनस फिर डिवाइड, डिवाइड का काम किसको दे रखा है, मेन डिजिट मुख्यांक को, अब इसको डिवाइड कीजिए दोस्तों, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास, 4, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, 4, और यहाँ भी 8 के बाद में और इससे पहले तो 4, तो ये आ गया आपके पास 6th स्टेप में नया नंबर क्या आ गया, 46 माइनस 8 4 जा, ठीक है। तो 46 में से 32 माइनस करोगे जब आप, 46 में से 32, 8 4 जा 32 होता है ना, तो आपके पास कितना आएगा, 14, कितना, 14 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बच जाएगा, शेषफल, ठीक है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास भागफल कितना आ गया, यही तो है आपका भागफल, इसको आप कोसेंट बोलेंगे, ये आ गया 74, मतलब इतने टाइम डिवाइड हुआ ये, और शेषफल जो आपका है इसको आप बोलेंगे रिमाइंडर, वो आ गया आपके पास 14, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, 7396 डिवाइड बाई 82, तो सबसे पहले दोस्तों वही आपको इसके 3 पार्ट करने हैं, ठीक है। दोस्तों 82 को डिवाइड करना है, तो यहाँ 8, यहाँ 2, ठीक है। यहाँ कितना नंबर ऊपर है फ्लैग डिजिट में, 1, तो 1 तो बाहर, बाकी ये तीनों, ठीक है, ये आपके अंदर आ गए, इसको बोलते हैं आप मुख्यांक, मेन डिजिट, इसको बोलते हैं ध्वजांक, मतलब फ्लैग डिजिट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे 7 को, 7 या 73 ले लो, 2 अंक ले लो, तो सीधी सी बात है 73 डिवाइड बाई 8, तो कोसेंट कितना आएगा आपके पास, 8 9 जा, तो 9 टाइम 8 9 जा 72 होता है ना, और रिमाइंडर कितना रह गया आपके पास, 1, तो आपने लिख दिया कि यहाँ तक 9 आ गया डिवाइड करने पर, और रिमाइंडर इसके बाद में इससे पहले मतलब 9 1 लिख दिया, तो नया नंबर आपके पास क्या बना, 1 9 19 माइनस 2 9 जा, ठीक है, 2 9 जा कितना होता है दोस्तों, 18, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1, कितना आ गया, 1 आ गया, तो देखेंगे आगे, 1 आपने नीचे लिख लिया, 1 को डिवाइड करने गए 8 के पास, किसके पास, 8 के पास, तो 8 ने 1 को क्या किया, डिवाइड, ठीक है ना। ऊपर से कोई नंबर दोस्तों अपन उतारते हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा सिंपली डिवाइड, जैसे मान लो अपन ऊपर से कोई नंबर अपने नीचे लिखा फिर डिवाइड करने गए, उस नंबर को डिवाइड नहीं हुआ, ऊपर से लिखा है ना नंबर अपन ने, ठीक है ना भाई, यहाँ से यहाँ नंबर आया डिवाइड करने के लिए, अब कोई नंबर इसे छोटा डिवाइड नहीं होता, क्या लगती है, भाग टूट की 0 लगती है, मतलब 0 टाइम डिवाइड होता है, तो सीधी सी बात है कोसेंट कितना आ गया, 0, और रिमाइंडर तो वो नंबर खुद ही बचता है, ठीक है, तो कितने टाइम डिवाइड हुआ, 0 टाइम, और रिमाइंडर क्या बच गया, 1। आगे करेंगे इसको, नया नंबर क्या बढ़ गया, 16 माइनस क्या होगा, 2 0 जा, मतलब आपके पास कितना बचेगा, 16 ही बचेगा, ठीक है, ये आपका सोल्व हो गया, 16 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपके पास भागफल कितना आया, भागफल आपके पास जिसको अपन कोसेंट बोलते हैं, ये आ गया 19, और शेषफल कितना आ गया दोस्तों, रिमाइंडर आपके पास आ गया 16, ठीक है, ये शेषफल है, ये भागफल है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये भाग टूट की 0 वाला आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, 82 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है,
ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये इसके अंदर तीन क्वेश्चन ही थे, तीनों कंप्लीट करा दिए मैंने दोजांग मेथड से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।